खेसारी लाल यादव को कुछ सीखना चाहिए पवन सिंह से, ऐसा हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि जब भी पवन कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी तारीफों की पुल बांधना हमारा काम हो जाता है। वैसे भी पवन सही करे या गलत, हम न्यूज़ ज़रूर बनाते हैं। इस बार पवन ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है और भोजपुरी के अमूमन हर हीरो को इससे सबक लेना चाहिए। जी हाँ, होली में जो पवन सिंह ने अपना नया गाना लाया है उसे देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और इसे YouTube पर सर्च कीजिए, देखिए। गाने का नाम है भैया रंग लेना नई साड़ी और आप इस गाने को देखिए, बहुत ही साफ सुथरा गाना है। पिक्चराइजेशन तो कमाल की है, HD पिक्चराइजेशन है और देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई आप कुछ अच्छा देख रहे हो, ऐसा लग रहा है बॉलीवुड की फिल्मों के कुछ गानों को, बेहतरीन गानों को आप देख रहे हैं। पिक्चराइजेशन अच्छी है और आप इस गाने में एक चीज़ और नहीं देखेंगे, आप देखेंगे VFX का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। साथ ही साथ गाने के बोल की बात करें तो वल्गैरिटी तो 1% नहीं है। देखने में भी गाना अच्छा लग रहा है, क्योंकि भोजपुरी के अमूमन गाने ज़्यादातर ऐसे हो जाते हैं होली में जिसे देखा भी नहीं जा सके, क्योंकि वो इतने छिछोरे होते हैं। लेकिन ये गाना ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और हम यहाँ ये ज़रूर कहेंगे कि भतीजवा का मौसी जिंदाबाद और खेसारी के और जितने गाने आ रहे हैं उनसे बेटर गाना है, क्योंकि भाई वो गाने कहीं ना कहीं वल्गैरिटी साउंड करते हैं, लेकिन पवन का ये गाना बिल्कुल वल्गैरिटी साउंड नहीं कर रहा है। इस गाने को रिलीज़ SRA म्यूज़िक के YouTube चैनल के अंडर किया गया है, तो आप इस गाने को देखिए और इस गाने को रिस्पांस भी धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छा मिल रहा है। हम ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लेकिन अगर जिन लोगों को पता नहीं है वो भी जाए देखें और उन्हें पता चलेगा कि ये गाना कितना बेहतरीन है। गाना देखने के बाद आपको फील होगा कि आप कुछ अच्छा और बेहतर गाना सुन रहे हैं, वल्गैरिटी वाला गाना बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। और आपको ये बता दें कि इस गाने में पवन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी फिट लग रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ जाइए और पवन का ये नया गाना सुनिए और लोगों को सुनाइए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।